हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। CAA पर हिंसा करने वालों पर शुरू हुई कार्रवाई। 28 को भेजे नोटिस, करनी होगी 14 लाख की भरपाई। योगी ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर दी थी चेतावनी। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से की जाएगी। यूपी में नागरिकता संशोधन कानून पर हुई हिंसा में सरकारी संपत्ति को आग के हवाले करने वाले दंगाइयों पर राज्य सरकार के साथ जिला प्रशासन सख्त हो गया है। ऐसे लोगों की पहचान करके उनको राज्य सरकार की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं। रामपुर की बात करें तो यहां प्रशासन की तरफ से 28 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनके जरिए 14 लाख रुपए के सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की बात कहते हुए उसकी भरपाई की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें 16 लोगों की जान भी चली गई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर हिंसा की और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई गाड़ियों में आगजनी भी शामिल है। सरकारी संपत्ति के नुकसान को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी थी कि इस नुकसान की भरपाई हिंसा करने वालों से ही की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर दंगे की फुटेज और फोटोग्राफ से हिंसा करने वालों की पहचान की थी, साथ ही कई लोगों को पुलिस ने मौके से भी गिरफ्तार किया था। अब इन सभी को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसमें नुकसान की राशि की भरपाई की बात की गई है। हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मोटरसाइकिलों के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। नोटिस में ये भी सवाल किया गया है कि इस नुकसान की भरपाई उन लोगों से क्यों न की जाए। रामपुर में अपर जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से भेजे गए नोटिस में रामपुर एसपी के हवाले से कहा गया है कि 21 दिसंबर 2019 को रामपुर कोतवाली इलाके में शाहबाद गेट स्थित ईदगाह और हाथीखाना चौराहे पर लोगों को उग्र प्रदर्शन के साथ दंगा करने वालों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग और पथराव किया और साथ ही तोड़फोड़ और आगजनी भी की। अब इन नोटिस को लेकर रामपुर के परिवारों से कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक परिवार की महिला का कहना है कि उनके पास तो वकील तक करने के पैसे नहीं है, तो वो भरपाई कहां से करेंगे। इसी तरह एक और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसके परिजनों का कहना है कि उसका हिंसा से कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने अगले दिन पुलिस के जरिए उनके परिजनों को गिरफ्तार करने का आरोप भी लगाया है, लेकिन जिला प्रशासन हिंसा करने वालों पर सख्त नजर आ रहा है और आरोपियों की पहचान कर उनको नुकसान की भरपाई के लिए नोटिस भेज रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।